22 जुलाई 2020 ये जो तारीख है भाई, ये गेमर्स के लिए दिवाली होने वाली है, क्योंकि भाई दो दो गेमिंग फोन इस तारीख को लॉन्च हो रहे हैं। पहला वाला अनाउंस हुआ था भाई Asus की तरफ से, Asus ROG Phone 3, और भाई अब Lenovo ने भी अनाउंस कर दिया है कि Lenovo Legion जो है वो भी 22 जुलाई को ही हमको देखने को मिलेगा, और दोनों फोन गेमिंग सेंट्रिक फोन है। ये चीज भी कंफर्म हो गई है कि दोनों फोन जो है वो एकदम नए वाले Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर के साथ में आने वाले हैं। 865 प्लस का एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और अगर उसको आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक देता हूं, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं इन्हीं दोनों फोन की हाइलाइट्स के बारे में कि क्या-क्या तगड़ी वाली चीजें आपको इन दोनों फोन के अंदर देखने को मिलेगी, और दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर होने वाला है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं, और लाइक टारगेट रखते हैं अपन 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। करते भाई दोनों फोन की बिल्ड एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन की काफी ज्यादा तगड़ी और काफी प्रीमियम आपको देखने को मिलेगी। दोनों फोन में फुल ग्लास बिल्ड आपको मिलेगी, मेटल की एल्यूमिनियम की फ्रेम आपको देखने को मिलेगी, और बिल्ड क्वालिटी से भाई कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में काफी ज्यादा प्रीमियम बिल्ड देखने को मिलेगी। डिजाइन की अगर बात करें, ROG फोन की बात करें, तो ROG फोन की जो डिजाइन है वो ROG 2 जैसी लग रही है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको इधर-उधर देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत कुछ डिजाइन वैसे ही लग रहा है। लेकिन Lenovo का जो Legion फोन है भाई, इसका एकदम नए टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। कुछ नया डिजाइन आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो फोन है भाई, लैंडस्केप मोड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, और भाई गेमर्स के लिए स्पेशली इस चीज में ध्यान दिया गया है कि जो आपकी ग्रिप होती है उससे भाई कैमरास वगैरह पे आपके फिंगरप्रिंट ना आए। तो यहां पर आपको भाई जो कैमरा सेटअप भी मिल रहा है पीछे की तरफ, वो आपको सेंटर में देखने के लिए मिलता है। और भाई ऐसे करके आप फोन यूज करोगे तो भाई जो उसका पॉपअप कैमरा है वो भी ऐसा हॉरिजॉन्टल दिया गया है, मतलब फोन को आप लैंडस्केप में यूज करोगे तो इधर साइड से निकल के आएगा, तो ये चीज काफी अच्छी लग रही है। वहीं पर बात करें ROG फोन 3 की, तो डिजाइन उसका भी काफी तगड़ा है। जो ROG का लोगो है कलर वलर में फेंकाता है, काफी मस्त लगता है। तो बिल्ड एंड डिजाइन दोनों फोन के काफी ज्यादा तगड़े हैं, और Lenovo का जो डिजाइन है मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा है। डिस्प्ले की बात करें भाई, ROG फोन के अंदर आपको 6.9 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, Lenovo फोन के अंदर आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। तो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है ROG के अंदर। लेकिन अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो QHD रेजोल्यूशन आपको मिलेगा Lenovo के अंदर, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा आपको Asus ROG फोन के अंदर। बात करें दोनों ही फोन के पैनल की, तो भाई यहां पर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेंगे दोनों फोन्स के अंदर, और भाई उसी के साथ में बात कर ले तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा दोनों फोन के साथ में। तो डिस्प्ले दोनों के अंदर तगड़ा दिया गया है। रेजोल्यूशन की बात करें तो वो Lenovo के फोन के अंदर आपको बेटर रेजोल्यूशन मिलता है QHD वाला। बात करेंगे उसी के साथ में भाई, दोनों फोन के साथ में आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी में दोनों फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भाई जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि एकदम नया प्रोसेसर है, और वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोसेसर है जो आपको मोर देन 3 GHz की क्लॉक स्पीड देता है। यहां पर जो प्राइम कोर्स दिए गए हैं वहां पर आपको 3.09 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है भाई, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फोन के साथ में आपको UFS 3.1 वाला स्टोरेज भी देखने 3.0 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी आपको काफी अच्छी चीज मिल रही है। यहां पर फास्ट रीड राइट की स्पीड भी आपको मिल जाएगी, और GPU भी भाई यहां पर 865 से थोड़ा सा पावरफुल मिलेगा आपको। तो गेमिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी दोनों फोन के साथ में काफी तगड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं भाई कैमरास की। अगर आप ROG वाले फोन को देखोगे तो पीछे की तरफ आपको यहां पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भाई यहां पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर 2 ही कैमरा ओपन हुआ है भाई। एक तो 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, और 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलेगा, और उसके साथ में मेरे को लगता है कि 2 मेगापिक्सल का यहां पर डेप्थ सेंसर चिपका दिया जाएगा। तो 3 कैमरा आपको इसमें पीछे की तरफ मिलेंगे। वहीं पर बात करें Lenovo के फोन की, तो यहां पर आपको मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप। यहां पर मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो कैमरा मॉड्यूल दोनों के अंदर आपको अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, कोई खराब कैमरा नहीं है भाई। 64 मेगापिक्सल के कैमरास दिए गए हैं, काफी तगड़ा कैमरा मॉड्यूल्स दिए गए हैं। फ्रंट की बात करेंगे तो 13 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको मिलेगी यहां पर ROG फोन 2 के अंदर 3 के अंदर एक्चुअल में ROG फोन 3 के अंदर। Lenovo के फोन की बात करेंगे तो
यहाँ पर पॉपअप कैमरा मिलता है, आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो लेनोवो के फोन के अंदर आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करेंगे दोनों कैमरा के साथ में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर, सेल्फी कैमरा के साथ में आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल दोनों फोन के अंदर आपको अच्छा मिलता है। बैटरी की बात करते हैं, 5800 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलेगी ROG 3 के अंदर। साथ ही में 30 W की फास्ट चार्जिंग आपको मिल सकती है और 10 W की यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। टाइप सी का पोर्ट मिलेगा और टाइप सी जो पोर्ट है वो USB 3.0 वाला मिलेगा। ये मेरे को काफी अच्छी लगी बात कि यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पर लेनोवो फोन की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, तो थोड़ी सी कम है ROG के कंपेरिजन में, लेकिन यहाँ पर 90 W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। 30 W के कंपेरिजन में 90 W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, भाई बहुत ज्यादा तेज चार्जिंग दी गई है यहाँ पर। बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर भी काफी तगड़ा आपको देखने को मिलता है। दोनों फोन के अंदर आपको डुअल टाइप सी कनेक्टर मिलते हैं, यानी कि दो दो पोर्ट मिलते हैं टाइप सी के साथ में। अब ये चीज तो क्लियर है कि ROG 3 के अंदर तो आपको USB 3.0 वाले टाइप सी मिलते हैं, अब यहाँ पर जो लेनोवो वाला है उसके अंदर आपको डुअल टाइप सी तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर USB कौन सा दिया गया है, USB 2.0 या 3.0, ये चीज क्लियर नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए जो बाकी सारी चीजें तगड़ी वाली दी गई है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ भी आपको USB 3.0 वाला सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल दोनों फोन काफी तगड़े हैं। अगर वेरिएंट्स की बात करें ROG फोन 3 की, पहले बात करते हैं तो 3 वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा 8+128, 12+256 और 16+512। इन 3 वेरिएंट्स में आपको ROG फोन देखने को मिलेगा और 8+128 और 12+512 GB में आपको मिलेगा लेनोवो लीजियन फोन। अब दोनों के प्राइस पॉइंट तो अभी तक कुछ भी भाई निकल के नहीं आए हैं, कोई रूमर भी नहीं है कि कितने प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, लेकिन भाई ROG का जो बेस वेरिएंट है, मैं बोलूंगा कि ये अगर 35 से 40 हज़ार के बीच में आता है तो मजा आ जाएगा। और लेनोवो के फोन का भी मैं भाई प्राइस पॉइंट यही रखूंगा, क्योंकि लेनोवो को अब सेटअप करना है अपना नाम, तो भाई थोड़ा सा प्राइस पॉइंट यहां पर आपको कॉम्पिटेटिव रखना पड़ेगा ROG फोन के कंपेरिजन में, तो ही मजा आने वाला है। तो ये थे मेरे ओपिनियन भाई दोनों फोन के हिसाब से। अगर मैं बोलूं कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो मेरे को थोड़ी सी ज्यादा चीजें बेटर लगी लेनोवो के फोन के अंदर, लेकिन ROG जो है वो नाम इतना बड़ा है, रेपुटेशन बना रखी है गेमर्स में, तो भाई यहां पर ROG को हराना लेनोवो के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशंस लेनोवो के अंदर थोड़े से बेटर मिल रहे हैं ROG फोन के कंपैरिजन। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप किस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट करते हो दोनों फोन्स को, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।